हेलो ऑल, वेलकम टू टीटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि'स एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवि'स प्रेजेंट एज? क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि का जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी का एज 15 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 4 टाइम्स, मतलब जितने भी उसका एज अभी है 15 साल के बाद उसका 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी का प्रेजेंट एज कितना है वो क्वेश्चन पूछा है। अभी का एज उसका कितना है, प्रेजेंट एज कितना है, तो लेट कर लेते हैं पहले। लेट रवि'स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, है कि नहीं? और क्वेश्चन पूछा है आफ्टर 15 इयर्स वो कितना बढ़ जाएगा। उसके बाद इसको फिर कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर 15 इयर्स रवि'स एज, 15 इयर्स रवि'स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 15, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट एज है। वो क्या बोला है, प्रेजेंट एज से 15 ईयर वो बढ़ेगा, मतलब आफ्टर 15 इयर्स उसके आड़ होगा ना, उसका एज जितना भी होगा आफ्टर 15 इयर्स वो बढ़ेगा, 15 साल बढ़ेगा, तो उसको हम ऐड कर दिए और 4 टाइम्स। और क्या बोला है, नेक्स्ट x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। इसका जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज से वो 4 गुना बड़ा होगा 15 साल के बाद। 15 साल के बाद कितना होगा, पहले हमने पहले प्रेजेंट एज को x ले लिया, ठीक है, उसके बाद आफ्टर 15 इयर्स उसका कितना होगा, एक्स प्लस 15। पर क्वेश्चन के हिसाब से एक्स प्लस 15 मतलब 15 साल के बाद 4 गुना प्रेजेंट एज से 4 गुना बढ़ जाता है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, इसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे। देखो एक्स प्लस 15 एंड 4x, यहां पर भी वेरिएबल है, यहां पर भी वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, x माइनस 4x, मतलब वेरिएबल को हम एक जगह ले आएंगे, अदरवाइज आप x को यहाँ पर भी ले सकते हो, करेक्ट। तो इसको हम मैं पहले यहाँ पर ले आती हूँ कांस्टेंट को, इधर माइनस कितना हुआ, x माइनस 4x, 4 ज्यादा है तो माइनस बड़े से कम होगा, मतलब कम को हम माइनस करेंगे और बड़े में जो साइन है वो लगा देंगे, तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। देन एक्स इज इक्वल टू, ये जो 3 मल्टीप्लाई होके है यहाँ पर आ जाएगा, पर साइन में चेंज नहीं होगा, साइन प्लस माइनस में चेंज होता है, पर मल्टीप्लीकेशन में वो साइन यहाँ पर वो लेके आता है। ठीक है, तो माइनस माइनस कट हो गया, 3 5 15, ये 5 ईयर्स, एक्स हमारा 5 ईयर्स, मतलब रवि का प्रेजेंट एज, देयरफॉर रवि'स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स, इज इक्वल टू नहीं देना है क्योंकि हम ये साइन लगा दिए हैं, प्रेजेंट 5 ईयर्स, वो हो गया हमारा आंसर। आप चेक कर सकते हो, देखो एक्स के जगह हम 5 पुट करेंगे और 15 कितना आ जाएगा, 20। ये 20 इज इक्वल टू 4 × 5 है कि नहीं, 20 मतलब 4 टाइम्स इस प्रेजेंट एज का, तो 4 5 20, ये हो गया इक्वल, जो क्वेश्चन के हिसाब से जो बोला था ना, ए आफ्टर 15 इयर्स वो 4 गुना उसके प्रेजेंट एज से बड़ा हो जाएगा, हमारा आंसर मिल गया। पर आपको ये दिखाना नहीं है, अगर वो बोलता तो आपको ये दिखाना भी था, पर आपको पूछा गया है कि प्रेजेंट एज कितना है, आप यहां तक लिखना है, इसको इरेज कर लेते हैं, बस आपको दिखाने के लिए मैं इसे किया हूं।
Next, question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? तो एक रेशनल नंबर है जो वो नंबर हमको नहीं पता, जो नहीं पता हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स. ओके, नेक्स्ट क्या करना है वो बोला है क्वेश्चन के हिसाब से, मल्टीप्लाई इट बाय, मतलब ये जो रेशनल नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करना है एक्स इंटू फाइव बाई टू एंड आर टू बाई थ्री टू द प्रोडक्ट, मतलब इसके साथ आपको ऐड करना है टू बाई थ्री. कौन से प्रोडक्ट के साथ? ये जो रेशनल नंबर के साथ आप फाइव बाई टू मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसका मीनिंग आप समझो. ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका मीनिंग है रेशनल नंबर हमको नहीं पता, हम उसको पहले एक्स लिए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 बाई टू के साथ एंड ऐड 2 बाई थ्री. ऐड मतलब इस प्रोडक्ट के साथ 2 बाई थ्री हमको ऐड करना है, 2 बाई थ्री टू द प्रोडक्ट. ओके, टू द प्रोडक्ट एंड वी विल गेट माइनस 7 बाय 12. ठीक है, इक्वल साइन आ गया तो इक्वल हमारा फॉर्म हो गया, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हो गया 5x बाय 2, इसको x यहां पर लिख देंगे एंड ये जो 2 बाई थ्री है ना ये कॉन्स्टेंट है, हालांकि वो रेशनल नंबर है, इसको हम राइट पे ले आएंगे माइनस 7 बाय 12 और ये माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन पे है, वो राइट को आएगा तो माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट 5 बाय 2 एक्स को हम रखेंगे क्योंकि बाद में उसको इसको सॉल्व करने के बाद उसको लेके आएंगे, तो 12 एंड 3 का एलसीएम हमारा 12 आएगा, तो 12 आने के बाद ये जो 12 के साथ इसको ये 12 डिवाइड होगा 1 इंटू माइनस 7, माइनस 7 रहेगा. नेक्स्ट ये साइन आएगा 12 एंड 3 के साथ 3 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू टू तो कितना होगा 8 होगा, तो प्लस 8 होगा या माइनस 8 होगा, देखो बीच का साइन हमारा माइनस है तो आपका माइनस साइन ही होगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप 5 बाय 2 एक्स इजिकल टू ये माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट. उसके बाद क्या करना है, उसको कट करना है 3 पे, 3 5 जा 3 4 जा. नेक्स्ट स्टेप पे हमको ये जो नंबर है मल्टीप्लाई होके एक्स के साथ है ना, इसको हम ले आएंगे क्योंकि अभी हमको एक्स चाहिए, तो 5 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 उसको हम ये जो 5 बाई 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई है, डिवाइड होगा, पर हम डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे क्योंकि उसका साइन चेंज हो जाएगा. ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम अगर डिवीजन देंगे तो यहाँ पर डिवीजन साइन करके आप लिख सकते हो 5 बाई 2, अगेन आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ जो कि हमारा 2 बाई 5 होगा. देखो मैं यहाँ पर क्या लिखी हूँ, 4 यहाँ लिख देती हूँ, देखो 2 बाई 5 लिखी हूँ. ये जो 5 बाई 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होके था, मैं राइट पे लाया तो वो 2 बाई 5 हो गया, तो कट कर लेंगे 2 को 2 के साथ 4 के साथ, तो हमारा कितना बचा माइनस 1 बाय 2, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर. देयरफॉर रेशनल नंबर इज माइनस 1 बाय 2, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि वो माइनस साइन पे है तो अच्छा लगेगा. ओके, नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.